ये कहानी परी लोग की है। परिदेश में रहने वाली जैस्मिन नाम की एक परी वहाँ पर स्कूल चढ़ाया करती थी। फिर एक शाम जब वो अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक रास्ते में एक भयानक राक्षस उसे रोक लेता है। उस राक्षस का चेहरा दिखने में पूरी तरह से बदसूरत था। मुझे तेरे जैसी ही खूबसूरत परी की तलाश थी। तुझे मार कर मैं अपनी चुड़ैल को तेरा मांस खिलाऊंगा, फिर तेरे शरीर की सारी खूबसूरती मेरी चुड़ैल के अंदर आ जाएगी और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। राक्षस की ये बातें सुनकर जैस्मिन परी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। देखो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम अपने स्वार्थ के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? मेहरबानी करके मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। मैं एक राक्षस हूँ, मैं बहुत ही मतलबी और बेरहम हूँ। मैं हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता हूँ। तेरे रोने धोने का मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला, समझी? उसके बाद वो राक्षस जैस्मिन परी को रस्सियों से बांध देता है और उसे जमीन में घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी अपने जादुई गुब्बारों से जा रहा परिदेश का राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है। अरे ये क्या, ये दुष्ट राक्षस उस मासूम परी को घसीटते हुए ले जा रहा है। मुझे फौरन से उस परी को बचाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से हवा में उड़ते हुए उस राक्षस के सामने आ जाता है। फिर राजकुमार अपनी जादुई तलवार निकाल कर राक्षस का रास्ता रोक लेता है। देख राक्षस, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस परी को छोड़कर यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काट दूंगा। देख राजकुमार, बड़े दिनों की तलाश के बाद मुझे ये खूबसूरत सी परी मिली है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। चल हट जा यहाँ से, वरना मैं अपने पंजों से तेरा सीना चीर दूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अगर तुझ में हिम्मत है तो आगे आकर मेरा सामना कर। बस फिर क्या था, राजकुमार की ललकार सुनकर राक्षस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो राजकुमार पर हमला कर देता है। लेकिन राजकुमार बहुत ही फुर्तीला और बहादुर था। वो राक्षस को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और तलवार के एक ही वार से उसका सर काट कर अलग कर देता है। राजकुमार जी, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये राक्षस मुझे जान से मार डालता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन परी की खूबसूरत आँखों में देखते ही राजकुमार उसके प्रेम में पड़ जाता है। सच में तुम्हारे जितनी खूबसूरत परी मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें देखते ही मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमार की बात सुनकर जैस्मिन परी बहुत खुश हो जाती है। आप जैसे नेक और बहादुर राजकुमार को भला कौन सी परी इनकार कर सकती है? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपने महल में लेकर जाता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कहती रहती थी ना कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। आज मुझे मेरी पसंद की परी मिल गई है, अब मैं इसी से शादी करूँगा। लेकिन जैस्मिन परी को देखते ही रानी परी गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे नालायक, ये तो रास्ते की कोई भिखारन है। तू इसे मेरी बहू बनाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं इसे अपनी बहू नहीं बनाने वाली। अच्छा तो ठीक है माँ, मेरा भी फैसला सुन लो। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी परी से करूँगा, वरना मैं महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तभी रानी परी की दासी पल्लवी धीरे से उसके कान में कुछ कहती है। पल्लवी परी की बात सुनते ही रानी परी मुस्कुराने लगती है।
मुझे माफ कर दे बेटा, गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन मैं तेरी हर बात मानूंगी क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। कल ही मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। ये सुनकर राजकुमार और जैस्मिन परी दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद राजकुमार जैस्मिन परी को अपनी जादुई शक्ति से हवा में उड़ाते हुए उसे उसके घर पहुंचा देता है। अब कल शाम को मैं इसी वक्त यहाँ बारात लेकर आऊँगा, उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार वापस अपने महल चला जाता है, लेकिन उसी रात जैस्मिन परी से मिलने के लिए रानी परी की दासी पल्लवी परी आती है। सुनो बेटी, रानी परी बहुत ही दुष्ट है, उसने झूठ कहा था कि वो तुम्हारी शादी राजकुमार से करवाएगी, दरअसल वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। रानी परी तो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ की कोई भी परी उनका सामना नहीं कर सकती, लगता है अब मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारी शादी जरूर करवा दूंगी, वो दुष्ट रानी परी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर जैस्मिन परी राजकुमार को फोन करके उसे सारी बात बता देती है। जैस्मिन परी के कहने पर राजकुमार उसी वक्त जैस्मिन परी के घर पर आ जाता है। फिर पल्लवी परी उन दोनों को परी देश के एक जादूगर के पास ले जाती है। उसके बाद पल्लवी परी उस जादूगर को सारी बात बताकर उससे मदद मांगने लगती है। वो जादूगर बहुत ही दयालु और इंसाफ पसंद था। इसके बाद जादूगर राजकुमार और जैस्मिन परी को उड़ने वाला एक घोड़ा देता है। फिर जैस्मिन परी और राजकुमार उस पर जल्दी से बैठ जाते हैं। तभी जादूगर उनसे कहता है, अब ये घोड़ा तुम दोनों को हवा में उड़ाकर चांद के ऊपर ले जाएगा, वहाँ हम जादूगरों की एक बहुत ही शानदार खूबसूरत सी बस्ती है, मैं अभी वहाँ फोन करके उनको सारी बात बता दूंगा, उसके बाद वो लोग तुम दोनों की शादी करवा देंगे। फिर वो जादुई घोड़ा राजकुमार और जैस्मिन परी को लेकर चांद की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ वो जादूगर चांद पर रहने वाले जादूगर और जादूगरनियों को फोन करके सारी बात बता देता है। राजकुमार और जैस्मिन परी जब चांद के ऊपर पहुंचते हैं, तो सभी जादूगर और जादूगरनियां उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर सारी तैयारी करके वो सभी राजकुमार और जैस्मिन परी की शादी करवा देते हैं। रानी परी जैस्मिन परी और अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उधर जैस्मिन परी और राजकुमार दोनों चांद पर रहते हुए हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बहुत समय पहले की बात है, अनन्या नाम की एक लड़की शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। एक दिन उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं। सर, आपकी पत्नी को कोरोना वायरस हुआ है, इसीलिए इन्हें 14 दिन इसी अस्पताल में रखा जाएगा। वैसे इनकी हालत बहुत ही सीरियस है। ये सुनकर उसके पिता सागर बहुत ही घबरा जाते हैं और दुखी मन से अपनी बिटिया को लेकर घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसकी माँ की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर दोनों पिता बेटी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सागर घर का काम करता था और उसके बाद अपनी बिटिया को स्कूल भेजकर अपने ऑफिस जाता था और वापस आकर फिर से घर का सारा काम करता था। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। सागर भी इतना काम करने की वजह से थोड़ा बीमार रहने लगा था। एक दिन अनन्या की बुआ और फूफा उनसे मिलने आते हैं। अरे साले साहब, आपने ये क्या हाल बना रखा है? हाँ भैया,
देखो तो जरा, भाभी के जाने के बाद अपनी कैसी हालत बना ली आपने। गुड़िया के ऊपर से माँ का साया तो जा चुका है, एक आप ही बचे हैं भैया। आपको कुछ हो गया तो गुड़िया बेचारी अकेली कैसे रहेगी। तो फिर तुम ही बताओ बहन, क्या करूँ मैं। गुड़िया को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता, और घर का काम करना भी बहुत जरूरी है, और नौकरी पर जाना वो भी तो जरूरी है। अरे साले साहब, आप दूसरी शादी कर लीजिए, गुड़िया को एक माँ भी मिल जाएगी और आपको भी एक पत्नी मिल जाएगी, फिर आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जल्दी से दूसरी शादी कर लीजिए और हमारी नई भाभी लेकर आइए। उनकी बातें सुनकर सागर आस्था नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। आस्था की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम माधुरी था। आस्था, तुम्हें तो पता है ना, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही की है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक सगी माँ की तरह प्यार करो। जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अनन्या को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करूंगी। उसके बाद सागर आस्था और उसकी बेटी को अपने घर लेकर आता है। पिताजी, ये कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है। आज से तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी बेटा। ये सुनकर अनन्या बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन तो आस्था उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी करती थी, लेकिन उसकी बेटी माधुरी बहुत ही जिद्दी लड़की थी और वो अनन्या से जलने लगी थी। माँ, आप हमेशा अपनी सौतेली बेटी को ही प्यार करती रहती हो, मेरे ऊपर से तो आपका ध्यान ही हट गया है। अरे बेटा, मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ दिन ये प्यार का झूठा नाटक करके मैं तेरे नए पापा का भरोसा जीत लूँगी, उसके बाद मैं इस लड़की को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूँगी और घर की एक लौती राजकुमारी तू ही होगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी से नाचने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद आस्था अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। सुन कलमुही, क्या कर रही है तू यहाँ? माँ, मैं थोड़ी देर खेल रही हूँ। लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप ठीक तो हो ना माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये खेलना वेलना छोड़ और चुपचाप अंदर जाकर घर का काम कर। काम? मुझे तो कुछ भी नहीं आता माँ। अगर काम करना नहीं आता तो सीख ले, नहीं तो तुझे आज से खाना नहीं मिलेगा। उसके बाद अनन्या घर के काम में लग जाती है। सारे दिन वो घर का काम करती है, लेकिन फिर भी आस्था उसे कुछ भी खाने नहीं देती। माँ, मैं आपकी शिकायत अपने पापा से करूँगी, उन्हें आपके बारे में सब कुछ बताऊँगी कि आप मुझसे कितना काम करवाती हो। देख लिया माँ, आपने इस चुड़ैल को कितना सर पर चढ़ा रखा है, कैसे सरेआम आपको धमकी दे रही है ये। आस्था अनन्या को एक जोरदार चाटा मारती है। कलमुही, तुझे जिससे शिकायत करनी है कर दे, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन तुझे तो मैं इस घर में अब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखती हूँ मेरे हाथों से कौन बचाता है तुझे, निकल जा मेरे घर से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, घर का सारा काम चुपचाप करूंगी माँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। हाँ तो ठीक है, सुबह से शाम तक घर का काम तू करेगी, और हाँ, कल से स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझी तू। अनन्या सुबह से शाम तक घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी दोनों माँ बेटी उसे बहुत मारती थी और हमेशा उसे भला बुरा बोलती थी। एक दिन अनन्या का जन्मदिन था, उसने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी,
वो ड्रेस पहनकर अपनी सौतेली माँ और बहन के पास आती है। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रही है? चली जाए यहाँ से चुपचाप और अंदर जाकर घर का काम कर। वाह माँ, इसने कितनी सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। माँ, ये ड्रेस इससे लेकर मुझे दीजिए। ए लड़की, जल्दी से अपने फटे पुराने कपड़े पहन और ये ड्रेस मेरी बेटी को दे। तू इस ड्रेस में बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही। नहीं माँ, ये ड्रेस मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। ये ड्रेस मेरी माँ की अंतिम निशानी है। देखो तो माँ कैसे जिद कर रही है, इसकी पिटाई करो और इससे छीन कर ये ड्रेस मुझे दो। देख लड़की, प्यार से बोल रही हूँ, ये ड्रेस मेरी बेटी को दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस किसी को नहीं दूंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई करती हैं और अनन्या से उसकी ड्रेस छीन लेती हैं। अनन्या अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई? माँ, काश आप मेरे साथ होती। देखिए ना माँ, इन दोनों ने आपकी आखिरी निशानी भी मुझसे छीन ली। माँ, तभी वहाँ पर अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बिटिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे इस तरह तुझे छोड़ कर जाना पड़ा। माँ देखो ना, ये सौतेली माँ मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, मुझसे घर का सारा काम कराती है, बदले में मुझे खाना भी नहीं देती। माँ आप बहुत अच्छी थी, ये माँ बहुत गंदी है। कोई बात नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी पर किए गए अत्याचार का बदला जरूर लूंगी। उसके बाद उसकी माँ अपनी जादुई साड़ी प्रकट करती है। हे जादुई साड़ी, इस दुष्ट औरत को सबक सिखाओ और मेरी बेटी की रक्षा करना। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी उसकी सौतेली माँ के पास जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। फिर थोड़ी देर में माधुरी वहाँ पर अनन्या की ड्रेस पहनकर आती है। मम्मी, ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। जादुई साड़ी माधुरी के पास जाती है और उसकी बहुत पिटाई करने लगती है। आ माँ, माँ ये क्या हो रहा है? माँ, ये साड़ी हमारी पिटाई क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, ये साड़ी मेरे पास आई और मेरी पिटाई करने लगी। आ मत मारो, मत मारो हमें, बचाओ बचाओ हमें कोई। उनकी आवाज़ सुनकर अनन्या वहाँ आती है। नहीं माँ, इनको मारना बंद करो, इन्हें माफ कर दो। तभी जादुई साड़ी रुक जाती है। उसके बाद जादुई साड़ी से अनन्या की असली माँ प्रकट हो जाती है। तुमने हमेशा मेरी बिटिया को परेशान किया है और उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज इसी की वजह से तुम बच गई हो, नहीं तो मैं तुम्हें आज सीधा ऊपर पहुंचा देती। हमें माफ कर दो बहन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज से हम कभी भी इसे परेशान नहीं करेंगे। बिटिया अब मैं चलती हूँ और इस जादुई साड़ी को मैं यही छोड़कर जा रही हूँ, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेगी। इतना कहकर अनन्या की असली माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद से दोनों माँ बेटी सुधर जाती है और अनन्या के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अनन्या को अगर कुछ भी चाहिए होता था तो वो जादुई साड़ी से मांग लिया करती थी और वो जादुई साड़ी पर बैठकर आसमान की सैर भी करती थी और गरीब लोगों की मदद भी करती थी। उसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक अच्छी जादूगरनी रहती थी। वो हमेशा गरीब लड़कियों की मदद किया करती थी, लेकिन जादूगरनी इस बात का पता किसी को नहीं चलने देती थी। फिर एक दिन जादूगरनी
एक जादुई लहंगा तैयार करती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उस लहंगे को फटा और पुराना बना देती है। अब मैं इस जादुई लहंगे को कचरे की पेटी में फेंक दूंगी। उसके बाद इस लहंगे को कोई बहुत ही गरीब और जरूरतमंद लड़की उठा लेगी। इतना कहकर जादूगरनी उस जादुई लहंगे को एक कचरे की पेटी में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुनीता नाम की एक भीख मांगने वाली लड़की वहाँ से गुजरती है। तभी उसकी नजर उस लहंगे पर पड़ती है। अरे ये लहंगा यहाँ कचरे की पेटी में कौन फेंक कर चला गया? मैं इस लहंगे को उठा लेती हूँ, उसके बाद इसे सिलकर मैं इसे पहनना शुरू कर दूंगी। इतना कहकर सुनीता उस फटे हुए लहंगे को उठा लेती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर सुई धागे से उस लहंगे को सिलकर उसे पहन लेती है। लेकिन तभी वो जादुई लहंगा सुनीता से बात करने लगता है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई लहंगा हूँ, मुझे गरीब लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस लहंगे को बात करता हुआ देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो उससे कहती है, देखो मेरी जिंदगी दुखों से भरी है, क्या तुम मेरी जिंदगी को आरामदायक बना सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर जादुई लहंगा वहाँ एक सुंदर घर प्रकट कर देता है और साथ ही ढेर सारे सुंदर कपड़े और कुछ पैसे भी सुनीता को दे देता है। ये सब पाकर सुनीता बहुत खुश होती है। उसके बाद सुनीता उस जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में रख कर नए कपड़े पहनना शुरू कर देती है। इस तरह सुनीता के दिन बदल जाते हैं और वो मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन सुनीता बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी अचानक कावेरी नाम की एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही भीख मांगने वाली लड़की है ना? लेकिन इतने सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में क्या कर रही है? हाँ कावेरी, तुम ठीक कहती हो, इसे तो मैंने कई बार अपने घर का बचा हुआ खाना दिया था। ये तो एक एक रुपए के लिए सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगा करती है, लेकिन अब तो इसका पूरा रूप ही बदल गया है। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ उत्सुकतावश सुनीता से बात करने उसके पास पहुँच जाती हैं। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे घर पर भीख मांगने आया करती थी? हाँ मैडम, मैं वही लड़की हूँ। लेकिन तुम इस महंगे मॉल में शॉपिंग कर रही हो, अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मुझे सड़क के किनारे एक जादुई लहंगा मिला था, उसी लहंगे ने मुझे अमीर बनाया है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। उस जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों लड़कियों के मन में लालच आ जाता है। फिर वो दोनों सुनीता का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती हैं। और रात होते ही दोनों सुनीता के घर में घुसकर जादुई लहंगे को चुरा लेती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती हैं, कि तभी अचानक वो जादुई लहंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लहंगा तो चुड़ैल बन गया, अब हम क्या करें? हाँ तूने सही कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ, अब मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां डर के वहां से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लहंगा अपने असली रूप में आ जाता है। तभी सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे यहाँ क्या हो रहा था? मुझे बहुत जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। दो लड़कियां मुझे चुराने आई थी, लेकिन मैंने उन्हें डराकर यहाँ से भगा दिया। अब आज के बाद वो दोनों लड़कियाँ यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है।
और सुनीता की जिंदगी में फिर कोई परेशानी नहीं आती और वो बहुत ही ऐशो आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई फटे पुराने लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जादूगरनी की तरह बिना अपनी मदद का बखान किए हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी।